the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. देख उनका नेचर वैसे ही नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे एक नॉर्मल बिहेवियर इंसान का नेचर देख के ही पता चल जाता है। हेडलाइट में भाई जैसे मैं देख रहा हूँ एलईडी लाइट लग चुकी है अभी यहाँ पर, और पार्किंग लाइट जो है ना वो भी वाइड करी गई है यहाँ पर, फॉग लाइट अभी इसमें प्लेस हो रही है, बाकी रूफ रेल यहाँ पे लगाया गया है। तो हेलो एंड वेलकम टू कारखाना दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं करोल बाग में, और आज वाला जो व्लॉग है वो वापस पंच का बनने वाला है। इस पंच में हम क्या क्या करने वाले हैं ये सब आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम करते हैं पंच का सिस्टम हैंग। और ये जो पंच आई है ये भाई अपने पंजाब से आई है, जैसा कि आप नंबर प्लेट पर भी देख रहे हो, तो पंजाब से आई है, अपनी वीडियो देख करके आई है। जो भैया ना अभी मेरे को ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ गए आप, आपको देख के मैं आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ये। और देखो ये बेस वेरियंट है, बेस वेरियंट में क्या क्या करने वाले ये सब तो आपको आगे ही पता चलेगा, बट जैसे मैं देख रहा हूँ कि लाइट्स में ऐसा कुछ अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किएगा फिलहाल के लिए, बट यहाँ पर जो वाइट लाइट है ना वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ पर हेलोजन लाइट है, और यहाँ पर अभी फॉग लाइट नहीं लगाया, हो सकता है कि प्लान आगे हो जाए। बट हाँ जो ब्लैक किट है ये नई वाली आप देख रहे होगे, ये इसकी जो जो आई लैशेज हैं ये लगाई गई हैं इसमें, आप ये देख सकते हो। और यहाँ पर यानी कि डोर हैंडल पर लगाया गया है, इस तरफ भी लगाया गया है, तो एक तो ये है, प्लस यहाँ पर अपने जो साइड मिरर्स हैं इसके ऊपर इसको लगा दिया गया है। पीछे भी डोर हैंडल पे होगा वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड भैया। डोर हैंडल पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ब्लैक किट जो ये लगाई गई है, प्लस टेल लाइट भी लगाई गई है, इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये किट का हिस्सा है। और क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, इसकी टेल लाइट अभी निकाली गई है यहाँ से, ताकि इस पर रिफ्लेक्टर लाइट लगाएं। अभी भैया ना थोड़ा सा इसको चेक कर रहे हैं कि ये डिज़ाइनर लगाना है दूसरे डिज़ाइनर लगाना है, फाइनल हो जाएगा फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट जो है वो लगाई जाएंगी। अभी आप देख लो ये डमी ऐसा आता है कंपनी की तरफ से, बट इसमें कोई लाइट्स नहीं होती हैं, थोड़ी देर में हम अभी लगाएंगे, जो कि मैट्रिक्स वाली रहेगी, चाहे ये लगेगा चाहे दूसरा लग जाएगा वो आपको दिखाऊंगा। स्टेयरिंग पे मैं जैसे देख रहा हूँ स्टेयरिंग पे भी काम हो चुका है, वो आगे आपको दिखाऊंगा। फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है, सिस्टम अभी लगाया जा रहा है, इसमें डैशबोर्ड खोला गया, तो काफ़ी कुछ इस गाड़ी में होने वाला है, यानी कि इसका सिस्टम हम करने वाले हैं हैंग। बने रहो वीडियो में, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप देखो एक दूसरी पंच भी अपने पास आ चुकी है, और इसमें भी कुछ काम चल रहा है, इन दोनों पंच में आज काम चलेगा, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको, एक ही वीडियो में दो दो पंच का काम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो यानी कि डबल आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें करवानी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर मैं डब्बा देख रहा हूँ, ये भाई अपना यूनो मिंडा का यहाँ पर इसमें क्या है, ऑटोमोटिव स्विचेस, ये कौन सा स्विच है भैया इसके अंदर? मिंडा का स्विचेस हैं। ओके, यानी कि भाई देखो जो भी चीज़ें हो रही है ना कंपनी की ही हो रही है। और ये फॉग लाइट दिखा दूँ, ये भी मिंडा की इसमें लगने वाली है, तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये देखो तो यहाँ पर भी नहीं है फॉग लाइट और यहाँ पर भी नहीं है, इसमें तो शायद नहीं हुआ है फाइनल, बट इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है ना भैया, आप ही गाड़ी है ना? तो देखो भैया आए हैं, अपनी वीडियो देख करके आए हो ना आप, भैया वीडियो देख करके आए हो? हाँ, तो देखो भैया अब आए हैं, दिल्ली से ही आए हो मेरे ख्याल से, क्योंकि दिल्ली का नंबर है, साउथ दिल्ली से आए भैया। तो अभी इसमें जो भी काम होगा ना, तो भैया से हम इसका रिव्यू ज़रूर लेंगे, और भैया से पूछेंगे कि उनको ये सारे काम कैसे लगे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं भैया, अभी पहले काम होने देते हैं इसमें, फिर आपको दिखाएंगे कि भैया का रिव्यू क्या रहने वाला है, क्या प्राइस में गाड़ी रेडी हुई है, ये सब कुछ आपको आगे वीडियो में ही पता लगेगा। तो जैसे भी भाई इसमें फॉग लाइट लगा रहे हैं, देखो ठीक है, तो इसकी फिटिंग अभी भैया को करने देते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें चेंज होंगी, लाइक जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ DRL लाइट जो है ना वो स्ट्रिप लगाई गई है यहाँ पर, और अपनी पहली वाली जो पंच है इसमें भी लगाई गई है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सभी काम डन होने वाला है, इसमें भी थोड़ा बहुत काम है। और ये तो मैं बता दूँ भैया, ये मॉडल कौन सा आपका? एडवेंचर विद रिदम पैक वाला है ये। ओके, यानी कि सिस्टम इसमें आया होगा, सिस्टम इसमें आप नहीं लगवाओगे, राइट? बाकी इसमें चीज़ें देखते हैं, हेडलाइट में कुछ करा रहे हो भैया? हेडलाइट में भाई जैसे मैं देख रहा हूँ एलईडी लाइट लग चुकी है अभी यहाँ पर, और पार्किंग लाइट जो है ना वो भी वाइड करी गई है यहाँ पर, फॉग लाइट अभी इसमें प्लेस हो रही है, बाकी रूफ रेल यहाँ पे लगाया गया है। और जैसे इसमें भी जो अपनी ब्लैक किट पियानो ब्लैक किट लगी है ना, तो सेम ऐसी ही किट इसमें भी लगने वाली है। ये देखो तो भाई अभी लगा रहे हैं, रूफ रेल इधर लगी हुई है, इसमें भी रूफ रेल लग चुकी है, डोर वाइजर इसमें लग चुके हैं, इसमें भी नहीं लगे हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। देखते देखते टाटा पंच में काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक पंच तो अपनी बो रही, उसको मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, एक ये वाली पंच हो चुकी है। संजय भैया जरा लाइट ऑन कर दो इसकी, ये देखो तो इसकी जो लाइट्स है इसमें सबसे पहले वर्क किया गया,
लाइक सबसे पहले इसमें जो DRL लाइट्स है यहाँ से वर्क स्टार्ट हुआ है, और संजय भैया से पूछेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो संजय भैया एक एक करके बताना शुरू कर दो, इस वाली पंच में हमने क्या क्या कर दिया। सबसे पहले भैया इसके अंदर लगाया गया है हेडलाइट DRL, DRL के बाद इसकी पार्किंग बल्ब वाइट कर गई है, हेडलाइट के अंदर LED लगाया गया 130 वाट का, 2 साल रिप्लेसमेंट की गारंटी है, 2 साल तक इस खराब होता है आपको चेंज होकर मिलेगा। ये मिंडा की फोगलेट लगाया, फोगलेट की वायरिंग लगी है, फोगलेट की LED लगी है, इसकी भी 1 साल की गारंटी है, पीस खराब होता चेंज होकर मिलेगा। ये ग्लोसी किट का हिस्सा है जो हेडलाइट के ऊपर लगाया गया है, ये फ्रंट में आपको दिखाना चाहूँगा, इसका डिफ्यूजर लगाया गया GT बैजिंग के साथ, ये GT बैजिंग का डिफ्यूजर लगाया गया है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड से, जो साइड में क्या क्या गाड़ी के अंदर काम हुआ है आपको बताना चाहूँगा। गाड़ी की साइड से आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर लगाया गया है ग्लोसी किट का हिस्सा है ये मिरर का, साइड मिरर का ग्लोसी किट के हिस्से के बाद इसका हैंडल का है, हैंडल बाउल है, और रियर हैंडल का आपको पीस दिखाना चाहूँगा, रियर हैंडल का पीस है। उसके बाद इसमें जो साइड में लगाया गया है इसके अंदर डोर गार्ड लगाया है, ग्लोसी ही डोर गार्ड लगाया गया है इसके अंदर। डोर गार्ड लगाने के बाद लोअर गार्डनेस लगाया, जो 6 पीस का सेट होता है, लोअर गार्डनेस लगा है। लोअर गार्डनेस लगने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा गैलियो कंपनी की रूफ रील लगाया इसके ऊपर, ये रूफ रील लगाया गया है गैलियो कंपनी का। रूफ रील लगाने के बाद इसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा डोर वाइजर लगाया है, टाटा बैजिंग के साथ डोर वाइजर लगी है। डोर वाइजर के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, डोर वाइजिंग के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी में जो और क्या हुआ है। इसके अंदर ये मड फ्लैप लगा है, मड फ्लैप के बाद इसका ये GT किट का रियर हिस्सा है, GT किट का रियर हिस्सा के बाद इसके अंदर स्पॉइलर लगाया गया है, सेम बॉडी कलर मैचिंग का, सेम बॉडी कलर मैचिंग का स्पॉइलर लगाया गया है। स्पॉइलर लगाने के बाद अब चलते हैं कार के अंदर, आपको बताना चाहूँगा ये वाली किट दिखा दी, हाँ ये इसका हिस्सा है ना ग्लोसी किट, अच्छा हमने दिखा दिया, एक ग्लोसी किट का हिस्सा है। उसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है गाड़ी के अंदर आपको उसके बाद बताना चाहूँगा। इसमें लगाया गया स्टीयरिंग कंट्रोल, सॉरी इसके बाद इसमें लगाया अपना स्टीयरिंग कवर, ब्लैक धागे से जेन्युइन स्टीयरिंग कवर रैप हुआ है। स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद इसमें जो इसका लाइट है केबिन लाइट, इसको वाइट कर दिया गया है। केबिन लाइट वाइट करने के बाद नीचे आपको दिखाना चाहूँगा इसमें फ्लोरिंग किया है, नीचे फ्लोरिंग हुआ है इसका। फ्लोरिंग के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर ये 7D मैट डाला गया है, 7D मैट है। 7D मैट के बाद जो गाड़ी के अंदर अभी फिलहाल यही काम हुआ है कि एडवेंचर मॉडल है, बाकी रिदम पैक के साथ में है, यानी कि सिस्टम इसमें आया है तो इसलिए हमें वो लगाया है। सिस्टम इसके अंदर आया है, बाकी भैया दोबारा फिर आएंगे, जैसे कि इसका सीट कवर। उसके बाद आपको दिखाना है बैक रेस्ट लगाया इसके अंदर, बैक रेस्ट के बाद नेक रेस्ट का सेट है, ये नेक रेस्ट का सेट इसके अंदर लगाया गया है, अभी फिलहाल यही काम हुआ है। सॉफ्ट होता भाई, मजा आ जाता। बाकी आपको हेडलाइट की LED की आपको थ्रो दिखाना चाहता हूं मैं, डिपर देना, दिखाओ भैया डिपर कैसे देते हैं। हेडलाइट की LED की थ्रो है, 130 वाट है, और 2 साल तक की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ है। अगर कोई कमी आता है आप आओ और पीस चेंज करवा के ले जाओ, उसकी कोई चार्जेस नहीं देना है। बाकी काम और क्वालिटी जो है हमारे भाई बताएंगे कि काम और क्वालिटी कैसा इनको लगा। चलो तो अब एक बार चलते हैं और ओनर से बात करते हैं, और ओनर से ही अब सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उनको ये सारा काम कैसा लगा है। तो हम अपने पंच का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं, जो इनकी गाड़ियां उन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से? मैं साउथ दिल्ली, कालका। साउथ दिल्ली कालका जी से आया। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, वीडियो देख करके पहुँचे आप? तो जो भी चीज़ हमने वीडियो दिखाई है वैसे ही काम हुआ है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, काम से खुश हो आप? सही, बिल्कुल ओके। क्योंकि देखो एक तो ना आपका जो मॉडल है ये भी ऊपर का है, बेस मॉडल नहीं है, ऊपर का वेरिएंट है, प्लस इसमें एडवेंचर वेरिएंट में आपने रिदम पैक वाला लिया है। Exactly. तो सिस्टम तो आपको इसी में मिल गया। एक आध छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, लाइक सीट कवर जैसे रह गए, ये सब तो आप नेक्स्ट राउंड में आप जैसे करवाएंगे। टाइम कम था बहुत, मतलब उसके बाद नेक्स्ट राउंड जब भी आऊंगा तो बाकी सारे काम। और जैसा बता रहे थे गाड़ी आज ही लिए ना आपने? आज ही लिए, और आज ले आए हो? वाह, अभी घर भी नहीं पहुंचे? अभी घर भी नहीं। अब जाओ यार। चलो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छी गाड़ी चूज करी है। अच्छा अब जैसे जो भी आज आपसे काम हुआ है, चाहे वो लाइट्स का हुआ है या फिर अंदर हुआ है या फिर बाहर हुआ है, डिफ्यूजर्स का हुआ है, ये सारा काम कैसा लगा एक बार फिर जाना? नहीं बिल्कुल सही है, अच्छा काम है। अगर 10 में से कुछ नंबर मांगो तो कितना नंबर दोगे आप? ऑब्वियसली 10 out of 10। अरे वाह। और भैया का नेचर कैसा लगा? हमारे एलविश है, करोड़ लाख के एलविश है, कैसा लगा आपको इनका काम? देखो उनका नेचर वैसे ही नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे एक नॉर्मल बिहेवियर इंसान का नेचर देख के ही पता चल जाता है जी, क्योंकि बोल चाल जो होता है ना लोगों का मेन वही है। वाह, आज के दिन में ये तो वैसे ही हंस लेते हैं, देखो स्माइल करते रहते हैं। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप इसका पूरे नंबर दे रहे हो काम को। और अगर मैं बात करूँ खर्चे की, इस चीज़ के लिए कितना आपका बिल लगा है?
तो आप वो जरा मुझे बताएं। अभी देखो फाइनल इसका भी अमाउंट अभी लेना बाकी है। ओके, एंड भैया से मेरी बात भी हुई है जैसा कि, तो जो भी होगा उस पे चलो, मतलब कि अभी थोड़ी देर हमें और रुकना पड़ेगा। थर्टी वन थाउजेंड क्योंकि माइक आपके पास है, रिपीट करूंगा 31 के आसपास इनका बिल बना हुआ है। बाकी जो इनका मान सम्मान है वो मेरे हाथ में है, मान सम्मान कैसे करूंगा वो तो भैया आपको बता ही देंगे इनका मान सम्मान क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, तो 31 आप बता रहे हो अभी, बाकी कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी आपने देख ली, अपनी अपनी एक दूसरी गाड़ी भी है जो कि भी रेडी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, वो पंजाब से आई है, ये दिल्ली की है। तो इसके साथ ही मैं आपको वो भी बता दूंगा फाइनल भैया को कितना हो गया है, तो ये भी अभी थोड़ी देर में आप वेट करो। अच्छा भैया आप भी हमारे साथ, अब भैया का साथ आयो, आपको कैसा लगा ये काम, आपने बताया नहीं? सुपर बेस्ट, अच्छा लगा। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 ऑफ 10 दे हुए। ओके, तो भैया एक एक चीज और पूछूंगा, लाइक जैसा भी गाड़ी जब घर पे जाएगी या यार दोस्त देखेंगे तो पूछेंगे ये भाई आपने काम कैसे कराया, तो आप बताओगे कि भैया हमने संजय जैसे करवाया इंडियन ऑटो से? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई ये तो है ना, रिकमेंडेबल। वाह, तो भाई चलो अच्छी बात है, एक गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, दूसरी गाड़ी का थोड़ा सा वेट करो, उसमें भी कुछ चीजें लगी हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ही वीडियो में आपको दो दो वीडियो का फायदा होगा और आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या चीजें करवानी है। तो इस गाड़ी का भी काम बस फाइनल होने वाला है, जैसे ही फाइनल होता है इसका भी रिव्यू आपको देते हैं। फाइनली अपने इस वाली पंच में, यानी कि व्हाइट वाली पंच में भी काम अब कंप्लीट हो चुका है, और आपको बता दूं कि ये इसका बेस वेरियंट है। जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया था, काफी कुछ चेंजेस अब इस गाड़ी में हो चुका है। अब संजय भैया से मैं पूछूंगा, संजय भैया फिर से वापस शुरू हो जाओ और एक एक करके चीजें बतानी शुरू करो, जो भी चीजें इसमें करी हैं वो भी बतानी है आपको, और जो जो प्रोविजन है अपने पास वो भी बताना है, ठीक है? सबसे पहले आपको कार के फ्रंट से दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर ये जीटी का किट लगाया गया है, फ्रंट का जीटी किट के बाद इसके अंदर लगाया गया है हेडलाइट डीआरएल, पार्किंग बल्ब इसको वाइट कर दिया गया है, हेडलाइट में हमने कुछ छेड़ा नहीं है, हेडलाइट ओरिजिनल है। उसके बाद है इसकी ग्लोसी किट का हिस्सा है जो हेडलाइट के ऊपर लगाया गया है, एक तो आता है पूरा यहाँ नीचे तक होता है, ये सिर्फ लाइट के ऊपर लगाया गया है। उसके बाद इसमें लगा, आपको साइड पोर्शन से दिखाना चाहता हूँ, साइड पोर्शन से जो गाड़ी के अंदर लगाया गया है, व्हील कवर लगाया गया है डायमंड कट स्पाइडरमैन डिजाइन। उसके बाद इसमें लगाया गया है ग्लो, जो जीटी किट है उसका हिस्सा है साइड के। ओके, उसके बाद इसमें लगाया गया डोर गार्ड, जो ग्लोसी किट हेडलाइट पर लगाया गया उसका हिस्सा है ये हैंडल बाउल और हैंडल ग्लोसी, उसका हिस्सा है ORBM ग्लोसी पीस, ORBM ग्लोसी के बाद इसके अंदर लगाया गया है लोअर गार्निश, 6 पीस का सेट है ये, ये 6 पीस का सेट है। 6 पीस सेट के बाद इसके अंदर लगाया गया गैलियो कंपनी की क्रोम लाइनिंग डोर वाइजर, डोर वाइजर के बाद इसके में लगाया गया है गैलियो कंपनी की रूफ रील, आपको दिखाना चाहूँगा ये रूफ रील गैलियो ब्रांड है, गैलियो कंपनी के बाद इसमें लगाया है पीछे शार्क फिन एंटीना आता है इसका, शार्क फिन एंटीना के बाद इसमें लगाया गया रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के बाद टेल लाइट का जो ब्लैक हिस्सा है ग्लोसी किट का हिस्सा टेल लाइट के ऊपर लगाया गया है, और ये पीछे हैंडल के ऊपर लगाया गया है। उसके बाद इसमें लगाया गया जीटी किट का जो रियर हिस्सा है जीटी किट, उसके बाद इसमें लगाया मड फ्लैप, मड फ्लैप के बाद अब जो है मैं एक बार फिर से व्हील कवर है, मैं दिखा चुका हूँ व्हील कवर एक बार, आज मैं फिर से इस चीज़ का प्राइस खोलना चाहता हूँ, ठीक है? और बहुत ज़रूरी है प्राइस खोलना, ठीक। उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो चलते हैं हम, स्टीयरिंग कवर रैप किया इसके अंदर, स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद स्टीयरिंग कंट्रोल ग्लोसी लगाया गया इसके अंदर। उसके बाद आपको ये सीट कवर की फिटिंग दिखाना चाहूँगा मैं, बड़ी प्यारी लग रही है। सीट कवर लगाया गया इसके अंदर, सीट कवर लगाने के बाद आर्मरेस्ट लगा है इसके अंदर, स्लाइडर है, अंदर स्पेस है, पीछे बॉटल होल्डर है और एस्ट्रे है, एस्ट्रे, हाँ जी। उसके बाद इसके नीचे फ्लोरिंग हुआ है, आपको दिखाना चाहूँगा फ्लोरिंग के बाद इसमें केविन लाइट इसको वाइट कर दिया गया है, केविन लाइट वाइट करने के बाद ये ब्लोपंग कंपनी का 232 सिस्टम लगाया गया है विद कैमरा। मॉडल कौन सा भैया है, मॉडल कौन सा है ये? ब्लोपंग का है 980, 980 हाँ जी, 980 हाँ जी। उसके बाद ये ग्लोसी किट है इसके अंदर, नीचे वेलकम लाइट लगाया गया है गाड़ी के अंदर, ये सारा काम इस गाड़ी के अंदर जो है इंस्टॉल हुआ है, बेस मॉडल गाड़ी था ये सारा काम इस गाड़ी के अंदर जो है लगाया गया है।
ठीक है। बाकी अभी भी इसमें देखो, जैसे मैं बताऊं कि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अभी भी लगा सकते हो, उसमें काफ़ी कुछ है जो लग सकता है। आज इन्होंने फुल काम नहीं करा है, नहीं। बट हाँ आप सिस्टम हैंग करा सकते हो। जैसे कि इसमें फॉग लाइट नहीं लगा है, हेडलाइट के अंदर एलईडी नहीं लगा है, उसके बाद एम्बिएंट लाइट लगता है, इंटीरियर काम होता है, पीछे स्पॉयलर लगता है, डोर के अंदर डैम्पिंग होता है। डैम्पिंग होने के बाद इसमें अपना क्या नाम है, इसका एक साइड बैंड आता है। अभी काफ़ी सामान जो इस गाड़ी के अंदर नहीं लगा है, इंटीरियर में पूरा इंटीरियर से कि अपना जो वाइट पार्ट है डोर का, डैशबोर्ड का, पिलर का, रूफ का, इसको सॉफ्ट टच कर देते हैं। तो काफ़ी गाड़ी के अंदर जो अभी काफ़ी इसके अंदर मॉडिफाइड नहीं किया है, नॉर्मल है भी किया है, क्योंकि बजट हर बंदा अपने बजट के हिसाब से काम कराता है। ये नहीं कि बजट नहीं है तो बंदा नहीं काम कराएगा। सुबह मतलब मेरी इनकी एक हफ्ते पहले बात हुआ था और इनको मैंने लोकेशन भेजा था, सुबह आए हैं, पहले एक मैंने इनको रेट बताया, उसके बाद काम गाड़ी के अंदर चालू हुआ है। और जितने भी हमारे फोर्बस भाई हैं जिनका कॉल आता है तो मैं कहता हूँ भैया मार्केट में आओ, पहले चार दुकान पर ट्राई करो, उसके बाद आप काम कराओ। सही बात है। तो बाकी जो है यही काम इसके अंदर हुआ है। बाकी जो हमारे भाई हैं जो नहीं उनके पास तो जाएंगे, लेकिन देखो आप संगरूर से आए हुए हैं, वो बताएंगे क्वालिटी और काम के बारे। देखो उनके पास तो हम जाएंगे, लेकिन जैसा आपने बोला आज हम खोलेंगे इसके प्राइस, ठीक है? तो अब एक एक करके इसके प्राइस खोलना शुरू कर दो। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा जो स्टेयरिंग कवर है ये सिंगल कलर के अंदर है, इसकी जो कॉस्टिंग है 700 रुपये रहने वाली है, जो डबल कलर है 800 रुपये रहने वाली है। ये स्टेयरिंग कंट्रोल जो है 3500 रुपये इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। ये जो सीट कवर इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है, ये सीट कवर 6500 का है। बाकी सीट कवर तो स्टार्टअप को बता रखा मैंने कई सारी वीडियो में कि 4000 का भी है, 2500 का भी है, 5500 का, लेकिन ये क्वालिटी ही अलग है। तो ये 6500 का सीट कवर है। जो नीचे फ्लोरिंग की है ये फ्लोरिंग 1800 का है। एक इसमें डाई वाला फ्लोरिंग आता है जो 2200 रुपये का है। उसके बाद जो इसका ग्लोसी किट का हिस्सा है वो 2200 रुपये की है। ऊपर जो रूफ रिल गैलियो का लगाया है, जो रूफ रिल गैलियो का है 2000 रुपये की है। पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा है वो फिटिंग के साथ 1200 रुपये की है। उसके बाद जो और क्या लगाया इसके अंदर, वेलकम लाइट, वेलकम लाइट जो है 1000 रुपये कॉस्टिंग इसकी रहने वाली है। उसके बाद इसमें हेडलाइट में या डीआरएल में, हेडलाइट इसके अंदर, हेडलाइट के अंदर एलईडी लगानी है, बट एलईडी जो है हेडलाइट की एलईडी 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर चलते हैं ब्रांड पे तो 7500-8000 रुपये की रेंज में आता है। उसके बाद जो फॉग लाइट है, मिंडा की फॉग लाइट जो 2500 रुपये का होता है, वायरिंग फॉग लाइट फिटिंग के साथ एलईडी, उसमें अपनी चॉइस है कि बंदा कितने तक का लगवा सकता है। बाकी उसके बाद जो डीआरएल है हेडलाइट के ऊपर वो 700 रुपये की रहने वाली है। पार्किंग बल्ब 100 रुपये का आता है, रूफ पार्किंग बल्ब 50 रुपये का आता है। जो ये सेट है ब्लॉपंग का, ये विद कैमरा जो है 12500 का है। जो फ्रेम है ये 550 का है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर हॉर्न लगाया गया है क्रेटा वाला, जो क्रेटा वाला हॉर्न है 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की रेंज की है। ये सारे काम इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन में हुआ है अभी। बाकी जो है आगे जब भैया आएंगे नेक्स्ट टाइम तो और काम कराएंगे, तो उसको देखेंगे उस टाइम का बजट क्या आता है। तो अभी तो इस गाड़ी के अंदर यही काम हुआ है और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जैसे हमारे जो भाई फॉरवर्ड्स हैं या जो हमारा भाई पंच खरीदते हैं वो रेट क्वालिटी कंपेयर करके करोलबाग में कहीं से भी काम करा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब फलाने काम नकली है या वो काम नकली करता है, वो तो अपना इच्छा आपकी आपकी चॉइस है, जहाँ से भी करवा सकते हैं। बाकी मैं कुछ आपको स्टॉक दिखाना चाहता हूँ शॉप के अंदर की पंच का, जो स्टॉक मेरे पास अभी क्या क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा ये फ्लिप की वाली इसकी सेंट्रल लॉकिंग है, ये सेंट्रल लॉकिंग है फ्लिप की वाली, ये फ्लिप की सेंट्रल लॉकिंग है इसकी। 3 साल कंपनी की तरफ से वारंटी गारंटी है। उसके बाद जो सवाल है स्टॉक की, हमारे भाई हैं जो करोलबाग में जो इम्पोर्टर है, जो गैलियो का सामान है, ऑल एवरीथिंग जो सामान रखते हैं पंच का, उसको कहते हैं भाई साहब अब उसको पंच का रूफ रिल मत देना, पंच का डोर वाइजर मत देना, पंच की पावर विंडो मत देना, पंच की सेंट्रल लॉकिंग मत देना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम रूफ रिल से स्टार्टिंग करते हैं। ये पंच की रूफ रिल है, अभी भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि 5 पीस पंच की रूफ रिल गैलियो की, गैलियो ब्रांड शॉप के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है। कोई भाई ये कह देगा भाई किसी और गाड़ी का माल दिखा रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा ओनली फॉर टाटा पंच का है। ये रूफ रिल है, ये टाटा पंच की डोर वाइजर है जो गैलियो ब्रांड का ही है। ये टाटा पंच का ये डोर वाइजर है जो गैलियो ब्रांड का है। उसके बाद एक ग्लोसी किट है जो पंच के लिए स्पेशल ग्लोसी किट आता है, 1, 2,
तीन चार। उसके बाद इसके अंदर जो ब्लैक खांकी डब्बा है, इसके अंदर पंच की एंड्रॉइड की फ्रेम है। उसके बाद ये पावर विंडो है आडी कंपनी की, और ये सेंटर लॉकिंग है आडी कंपनी की। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ टाटा पंच का, ये टाटा पंच का ओरिजिनल जो है अंदर वाली मिरर है, आई बी एम। ये मिरर है टाटा पंच का, आपको दिखाना चाहता हूँ। जेन्युइन है भाई, देख लो, डब्बा देख सकते हो टाटा पंच। के बाद ये शेडो लाइट है जो अपना डोर के अंदर और वहाँ लगता है, क्या नाम है, अपना डोर के अंदर ये शेडो लाइट है इसका। मेरा नंबर दे दो। ये डोर के अंदर ये शेडो लाइट है जो स्पेशल पंच के लिए ही है। तो मैं आपके चैनल के मदद से ना, मैं अपने उस भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई आप भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते हैं, और हो सकता है कि मैं स्टील के प्लेट में खाता हूँ, साथ आप चांदी के प्लेट में खाता हो तो कह नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ ना कि भाई साहब आप उसको रूफ रिल मत दो, डोर वाइजर मत दो, सेंट्रल लॉकिंग मत दो, पावर विंडो मत दो, कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड ऑल ओवर दिल्ली में पड़ा हुआ है, और 23 साल मुझे लाइन में हो गया है, और आपको शायद 8 या 10 साल हुआ होगा, और 3-4 साल आज से कंपेयर करते हो तो 23 साल 3 महीने 4 महीने मुझे हो चुके हैं। तो यार किसी के बारे में ये मत सोचो कि भाई सिर्फ मैं ही काम करूँ, पंच के काम करोलबाग में आप ही नहीं करते हो। टाटा पंच के करोलबाग के अंदर कम से कम जितने भी शॉप है ना, हर शॉप पर कहीं ना कहीं काम होता ही होगा, तो ये नहीं कि सिर्फ आप ही पंच के काम करते हो। तो क्या यार एक काम करने के पीछे भाई साहब ये चीज़ मत दो, वो चीज़ मत दो, शोभा नहीं देता आपको। आप अपने किस्मत का खाते हो, मैं अपने किस्मत के खाता हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।